नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 कंप्लीट हो चुका है और जैसे ये पेपर खत्म हुआ आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे और उस सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश में आप लगे हुए होंगे, तो जरूरी हो जाता है कि आपके हर एक सवालों का जवाब दिया जाए। तो आपके सवालों का आज यहाँ जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपके सवालों में सबसे पहला सवाल ये होगा और सबसे पहला डर ये होगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। इसके बाद जब आप पेपर हॉल से निकले होंगे तो आपने ये पाया होगा कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग मेंशन नहीं था, तो क्या नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी इसको लेकर भी आपके मन में शंका है, इसको लेकर भी आपके मन में डर है। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज के इसमें वीडियो में देने वाला हूं, खासकर कट ऑफ को लेकर। और कट ऑफ के लिए हमने जो तैयारी की है वो कुछ ऐसे ही हवा में बात आज नहीं किया जाएगा, पूरी तरह से तथ्यों पर किया जाएगा। हमने पोल क्रिएट किया था टेलीग्राम चैनल पे भी, एक दो प्लेटफॉर्म पे और भी पोल क्रिएट किया था और उस पोल में बहुत सारे जो विद्यार्थी थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और इसके अलावा हमने कुछ स्टूडेंट से भी, एस्पिरेंट से भी बात किया फोन कॉल्स पे, ऐसे एस्पिरेंट्स जो अनुभव रखते हैं, 2 से 3 बार 4 बार मेंस दे चुके हैं। और कुछ नए छात्रों से भी बात किया कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, हालांकि सीजीपीएससी मॉडल आंसर जारी कर ही चुका है और मैक्सिमम बच्चे अपना मार्क्स मिला चुके हैं कि उनके कितने मार्क्स आने वाले हैं। उसके आधार पर लगभग यहाँ 8 से 9 हज़ार छात्रों ने इस पोल में हिस्सा लिया है, यानी कि हमारे इस सर्वे में हिस्सा लिया है। और उस आधार पे आज पूरी तथ्यों के साथ मैं बताने वाला हूं कि इस साल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का कट ऑफ कितना जाने वाला है। लगभग आप मान के चलो तो जितने भी लोगों ने एग्जामिनेशन दिया उसके 10% लोगों का एनालिसिस हमारे पास है, हम उनका जितने लोगों ने भी रिव्यू दिया उनके डेटा हमारे पास है। तो तथ्यों के आधार पे बताऊंगा कि कट ऑफ कितना जाने वाला। हालांकि आपको ये पता है, आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि पेपर टफ था, सीजीजीएस का पार्ट ठीक ठाक था और अगर जीएस की बात करें, इंडिया जीएस की बात करें तो वो थोड़ा टफ था। और इस वजह से इस बार कट ऑफ पिछले वर्ष की तुलना में कम रहने वाला है, इस बात को भी आप जानते हो, लेकिन कितना कम रहने वाला है इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने, जितने लोगों ने भी एग्जामिनेशन दिया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग भी बहुत अच्छे से मेहनत करके गए थे, बहुत अच्छे से तैयारी करके गए थे, उनका एग्जामिनेशन अच्छा गया होगा। और ये तो संभव है नहीं कि 1 लाख लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो सबका पेपर अच्छा चले जाए। तो जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है तो उनसे सबसे पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा कि आप अपना मोरल डाउन बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि असफलता ही सफलता की जननी होती है। तो अगर आपके हाथ असफलता लग रही है या आपको लगता हुआ दिख रहा है तो नाराज बिल्कुल ना हो, अपनी ईमानदारी से अपने हिस्से का काम करते रहिए, पूरी मेहनत के साथ काम करते रहिए, आपको आज नहीं कल सफलता जरूर मिलेगी। पहला प्रयास गया, दूसरे प्रयास का तैयारी कीजिए, आज से ही जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दीजिए, नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन कीजिए। आने वाले समय में ACF का एग्जामिनेशन होने वाला है, व्यापम का एग्जाम होने वाला है, तो अगर इसमें सफलता लग रही है तो ये जरूरी नहीं है कि आगे आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा, आगे भी आपको असफलता ही मिलेगी, बिल्कुल नहीं। असफलता जो है बहुत कुछ सिखाती है। तो अगर आप असफल हुए हो तो आप लगातार मेहनत करते रहो, ठीक है? तो मेहनत करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपने हिस्से का काम बहुत ईमानदारी से करते रहिएगा, ठीक है? अब हम यहां पर कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ कितना जाने वाला है, हर किसी के मन में सवाल है और ये सवाल इतना भयानक है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि बहुत सारे बच्चे बॉर्डर पे रहते हैं, मैक्सिमम बच्चे को लगता है कि मैं बॉर्डर पे हूं और इस वजह से, डर की वजह से वो आगे का प्रिपरेशन नहीं कर पाते, हर दिन ये सोचते रहते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के डेटा देखते रहते हैं कितना कट ऑफ जाने वाला है। बहुत कम ही ऐसे लोग रहते हैं जो एकदम सेफ साइड में रहते हैं और बहुत सारे, मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि मैं बॉर्डर पे हूं। तो आज के इस वीडियो के बाद एक एक्यूरेट एनालिसिस करने वाला हूं, आप ही लोगों के डेटा के आधार पर करने वाला हूं कि कट ऑफ कितने जाने वाला है। ये टेलीग्राम का एक स्क्रीनशॉट मैंने यहां पर लगाया है। इस टेलीग्राम के पोलिंग में लगभग 5000 स्टूडेंट्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया और उन्होंने इस पोल में हिस्सा लिया है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोल क्रिएट किए गए थे और कुछ छात्रों से भी बात किया गया, उस आधार पर इस डेटा को तैयार किया गया है। तो इस आधार पर कट ऑफ कितना जा सकता है मैं आपको यहां पर
इसका पूरा एक एनालिसिस बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम जनरल बॉयज की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि पेपर थोड़ा सा टफ आया था, खासकर इंडिया जीएस वाला पार्ट, और पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार कट ऑफ कम रहने वाला है, ये तो फिक्स है। तो जितने लोगों ने भी इस पोल में हिस्सा लिया या फिर हमने जितने लोगों से भी पूछा उसके आधार पे अगर मैं बताऊं तो जनरल बॉयज का कट ऑफ जाने वाला है इस बार 110 से 115 के बीच, इसी के आसपास रहेगा। अगर आप 115 प्लस हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आप सेफ साइड हैं। अगर जिनका 120 प्लस है, 125 प्लस है, 130 प्लस है, तो उनको कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मेंस का प्रिपरेशन करें। अगर आपका 110 से 115 के बीच में मार्क्स आ रहा है तो भी आप हमारे इस कैलकुलेशन के हिसाब से सेफ साइड में हो, आप भी जी तोड़ मेंस में लग जाइए, यानी कि मेंस के प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर दीजिए। और अगर जिनके मार्क्स ओबीसी जनरल की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपका जो मार्क्स है 105 से 110 115 120 आ रहा है तो भी आप मेंस का प्रिपरेशन मत छोड़ना, जी तोड़ मेहनत करते रहना। अगर मान लो कि 105 के आसपास में कट ऑफ रहा और आपका पेपर क्लियर हो गया, अगर आप डर के मारे मेंस का प्रिपरेशन नहीं कर पाए तो आप बहुत पीछे हट जाओगे और आपको बहुत अफसोस भी होगा। प्रिपरेशन मत छोड़िए अगर 100, 105, 110, 115 आ रहा है तो। हमारे एनालिसिस के हिसाब से कट ऑफ जाने वाला है 110 से 15 जनरल बॉयज के लिए, ठीक है, मेहनत मत छोड़िएगा। और वो भी छात्र जिनका 100 से नीचे मार्क्स आया है तो आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर कहीं पर कुछ कमियां रह गई तो उस कमियों को ढूंढने की कोशिश करो, उसे दूर करने की कोशिश करो, उस पर काम करने की कोशिश करो ताकि आप आगे और बेहतर कर सको। तो इसलिए आप भी प्रिपरेशन को बिल्कुल मत छोड़िएगा, उसे कंटिन्यू जारी रखिएगा, ठीक। चलिए, तो ये तो हो गया जनरल बॉयज की बात। इसके बाद अगर हम जनरल गर्ल्स की बात करें तो 105 से 110 के बीच में हमारे एनालिसिस के आधार पर कट ऑफ रहने वाला है। ओबीसी बॉयज की बात करें तो इनका कट ऑफ भी 105 से 110 के बीच में जा सकते हैं। पेपर का जिस हिसाब से क्वालिटी था, जिस हिसाब से पेपर का इस बार का जो क्वेश्चंस पेपर आए थे, उस आधार पे यहाँ पर कह सकते हैं कि ओबीसी बॉयज का जो है 105 से 110 के बीच में रहेगा। ओबीसी गर्ल्स की अगर हम बात करें तो 100 से 105 के बीच में रहने वाला है, ठीक। अगर एससी बॉयज की बात करें, यानी कि शेड्यूल कास्ट बॉयज की बात करें, तो 95 से 100 के बीच में रहने वाला है। एससी गर्ल्स की अगर हम बात करें तो 90 से 95 और एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स बॉयज की बात करें तो 90 टू 95 रहने वाला है कट ऑफ। और अगर हम एसटी गर्ल्स की बात करें, एसटी गर्ल्स की बात करें तो ये कट ऑफ आपका जाने वाला है 85 टू 90। तो आप जिस कैटेगरी में भी आते हैं आप यहां पर अपना एनालिसिस कर सकते हो, आप अपने हिसाब से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, इन सारी चीजों को यहां पर देख सकते हो। और जो आसपास भी हैं, अगर 2-4 नंबर आगे पीछे हो रहा है या 10-12 नंबर आगे पीछे हो रहा है तो वो लोग भी प्रिपरेशन को जारी रखें, खासकर जिनका कम हो रहा है वो भी अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल ना छोड़े। हालांकि क्यों ना आपको 100 से बहुत नीचे आ रहा है, 80 आ रहा है, 85 आ रहा है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो भी आप अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल मत छोड़िएगा, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा, मेंस का प्रिपरेशन जारी रखिएगा। वो आपको अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है, प्रीलिम्स आप क्रैक नहीं भी कर पाते हो, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हो तो। आपसे कहाँ गलती हुई, कौन से पॉइंट पे गलती हुई, रिवीजन में कमी थी, किस प्रकार से कमी थी, हर एक कमी को ढूंढने की कोशिश करो। तो एक हफ्ते आप यही काम करो, जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है वो लोग एक हफ्ते यही काम करें, अपनी गलतियों को ढूंढने की कोशिश करें। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं अगर जनरल कैटेगरी बॉयज में 80-85 या फिर उससे भी कम स्कोर कर पाए हैं तो। और नहीं तो अगर इसके आसपास हो तो आप अपना प्रिपरेशन मेंस के लिए जी तोड़ स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये हो गई कट ऑफ की बात, कट ऑफ आपका इतने के आसपास ही रहने वाला है। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं, बहुत सारे मीम बन रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपने भी देखा होगा, और बहुत सारे हमसे भी कांटेक्ट किया गया कि पेपर में निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं, इस बात का मेंशन नहीं किया हुआ था। तो ये तो खैर, अगर मैं कहूं कि आप इस पे भरोसा कर रहे हो कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो आप मैच्योरिटी को दिखा नहीं पा रहे हो, आप अपनी मैच्योरिटी को वहां पर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। जब आपका एडवर्टाइजमेंट आया था, जब आपका नोटिफिकेशन आया था तो उसमें मेंशन था कि निगेटिव मार्किंग होगा, तो ये बिल्कुल ना सोचें कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सीजीपीएसएस में प्रिंट हुआ होगा लेकिन निगेटिव मार्किंग होगा, ये बात मैं श्योर कर देता हूं कि निगेटिव मार्किंग होगा, क्लियर है आपको। चलिए, इसके बाद
कुछ बातें कर लेते हैं। हालांकि अगर आप इसमें से कुछ लोग कहोगे कि आप बहुत ज़्यादा प्रमोशन करते हैं, ये सब करते हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर प्रमोशन से किसी को बेनिफिट मिलता है, आने वाले जनरेशन को, जो आने वाले प्रिपरेशन करने वाले हैं, जो एस्पिरेंट्स, उनको अगर बेनिफिट मिलता है तो बिल्कुल प्रमोशन करना चाहिए। जितने भी टेस्ट सीरीज थे हमारे प्रोग्राम के, या फिर FTR के जितने भी टेस्ट हुए थे, या फिर FTR प्रोग्राम हुआ था, या कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम हुआ था, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स थे, उन सबसे ही क्वेश्चंस बने थे। हमारा मजाक उड़ाया जाता था, पता है, जब हम पिछले साल के FTR में जब हम मल्टीपल ऑप्शंस लेते थे, तो कई सोशल मीडिया ग्रुप्स में ये चीज चलता था कि मल्टीपल ऑप्शन लेते हैं, इनके क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई होता है, CGPSC ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है। हमको पता था कि आज न कल जो CGPSC है वो UPSC के लेवल पर जाएगा, क्योंकि अदर स्टेट्स के अगर आप कंपैरिजन करोगे, अगर अदर स्टेट्स के PSC का, तो कहीं ना कहीं वो UPSC के लेवल पर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को अगर छोड़ दिया जाए तो अदर स्टेट्स जा चुके हैं, तो आज ना कल छत्तीसगढ़ को भी जाना ही था। तो अगर इस साल के क्वेश्चंस पेपर का ट्रेंड देखोगे तो खासकर GS वाला जो पार्ट था आपका, इंडिया GS वाला पार्ट, वो UPSC के लेवल का था। क्वेश्चंस मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस की संख्या जो है वो ज्यादा थी, तो इसीलिए आपको मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चन कराए जाते थे, ताकि उसके आसपास के हर एक क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से कर पाओ। तो हमारे टेस्ट सीरीज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, हमारे FTR प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये इसका कुछ सबूत है, जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर में आए थे, सारे क्वेश्चंस यहां पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि हम बिल्कुल सही दिशा में हैं। हमने जिस उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ा, उस उद्देश्य के साथ पर हम सही रास्ते पर, बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं, और ये इस पेपर में दिखाता है। चाहे हमने जितने भी प्रोग्राम्स चलाए, सब सही रास्ते पे, चाहे इकोनॉमिक सर्वे की बात कर लो, हमारे यूट्यूब पे आकाश सर द्वारा जितने भी इकोनॉमिक सर्वे के वीडियोस लाए गए थे, और इकोनॉमिक सर्वे के जितने भी क्वेश्चंस आए थे, 100% क्वेश्चंस आकाश सर के वीडियोस से आए थे। तो हम सही रास्ते पे, जो हम चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं कि हर एक घर तक, यानी कि हर एक बच्चा जो दूर दराज एरिया में भी रहता हो या कहीं भी रहता हो, अगर वो CGPSC प्रीलिम्स क्रैक करना चाहता है या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करना चाहता है, तो हम उसके लिए कुछ बेहतर कर पाए, ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चंस है, एग्जाम में क्वेश्चंस के जिस प्रकार से ट्रेंड थे, वो क्वेश्चन हमें मोटिवेट करता है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। और आप लोगों का इतना सपोर्ट मिला, आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों ने हम पर इतना भरोसा दिखाया, उसके लिए भी हम बहुत आभार हैं। और हमें प्राउड फील होता है कि आपने जो हम पर भरोसा दिखाया, हम उस भरोसे पे खड़े उतरे हैं, और आने वाले समय में ये चीजें हमें बहुत मोटिवेट करेगा। समझ रहे हो ना बातों को, हमें बहुत मोटिवेट करेगा। कैसे मोटिवेट करेगा? आने वाले समय में ACF का पेपर होने वाला है, मेंस का पेपर होने वाला है, और भी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए हम और जी तोड़ मेहनत करेंगे, और मेहनत से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हमने जो आपको सर्व किया है और आपने जो उसका फायदा उठाया है, और आने वाले समय में हम आपको और बेहतर तैयारी के साथ में, और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ में आपको बेहतर चीजें सर्व करें। ठीक है? तो आप लोगों का जो भरोसा था, आप लोगों का जो प्यार था, उसी की वजह से हमने इतनी मेहनत की और हमने आगे बढ़ा है, और हम आगे भी साथ मिलकर काम करते रहेंगे, और आगे भी आपके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट अवेलेबल कराते रहेंगे। अच्छा, इन सबके अलावा हमने एक कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था, और उसमें आपसे राय मांगा था हमने। राय क्या था? आप भी कम्युनिटी टैब में जाइएगा यूट्यूब का, और उसमें आपके जो भी राय होंगे वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हो। हमने आपसे पूछा था, क्या हमारे प्रयास, हमारी टेस्ट सीरीज और हमारे नोट्स 14 फरवरी 2021 को आयोजित CGPSC प्रारंभिक परीक्षा में आपके लिए सहायक रहे? इसमें से लगभग 80 कमेंट्स आए हैं, और एक कमेंट को पढ़ के हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला है, आपको भी अच्छा लगेगा। आप नीचे जाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करें। ठीक है? तो आप चाहो तो इन कमेंट्स को YouTube के कम्युनिटी टैब में जाना, और वहां से आप इन सारे कमेंट्स को पढ़ सकते हो, बहुत सारे कमेंट्स हैं। और आप भी अपना फीडबैक हमें जरूर दें, जैसा भी फीडबैक हो आपका, अगर हमें फीडबैक मिलेगा तो हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जैसा भी हो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, YouTube सर्च कीजिएगा, और YouTube सर्च करने के बाद कंपटीशन कम्युनिटी का जो कम्युनिटी है,
और उस कम्युनिटी में जाइएगा और वहाँ पर कमेंट को पढ़िएगा और कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपको यहाँ पर कट ऑफ बताए गए हैं, इस कट ऑफ के अनुरूप आपके मार्क्स आसपास ही होंगे और आप आगे मेंस का प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करोगे। तो कट ऑफ लगभग एस्टिमेटेड इतना ही रहने वाला है, क्योंकि जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसके 8 से 10% डेटा हमारे पास थे, जिन बच्चों से हमने बात की या फिर जिन बच्चों के जरिए हमने पोल कंडक्ट कराया, उस पोल के आधार पर ये कट ऑफ आपके जा सकते हैं। तो प्रिपरेशन आप मेंस के लिए कीजिए, और जो लोग हताश हैं, जो लोग निराश हैं, जिनका पेपर बहुत खराब गया है, वो लोग अपनी गलतियों को ढूंढने की कोशिश करें, कहां पर गलती हुई है, क्या कमजोरी है, उसे तलाशने की कोशिश करें और निरंतर प्रयास करते रहें। तो आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले समय के लिए, आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आप सभी को कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।